दोस्तों, एक समय था जब चांद पर जाना इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन 21 जुलाई 1969 को ऐसा दिन आया जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। उसके बाद अंतरिक्ष और इस ब्रह्मांड को लेकर लोगों की सोच काफी हद तक बदल गई। इसके बाद हमारे इतिहास के कई किस्से कहानियां बदल गए। हालांकि उस वक्त ये काफी हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि जिस चंदा मामा को हम कहानियों में सुनते थे, आज उस पर इंसान ने अपने कदम रख दिए थे। आज वहां से वो धरती को देख रहे थे जिसे कभी धरती से देखा करते थे। यहां तक कि अब तो हर साल कोई ना कोई मिशन चंद्रमा पर लॉन्च कर दिया जा रहा है। फिलहाल तो चंद्रमा का चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया है, जो लगभग चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और कुछ ही दिनों में चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। यानी 23 अगस्त 2023 वो दिन होगा जब भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया उदाहरण पेश करेगा, एक नया इतिहास लिखेगा और यह भारत के लिए एक अनोखी मिसाल होगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कब, किसके द्वारा कौन सा मिशन पृथ्वी के सभी देशों से चंद्रमा पर भेजा गया। तो चलिए शुरू करते हैं गैलेक्सी का रहस्य के साथ आज का ये वीडियो। दोस्तों, चांद पर पहुंचना और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना इंसान की एक महान कार्य बन गया है। आप ही सोचिए, एक समय पर जो इंसान पृथ्वी को ही अपनी पूरी दुनिया मानता था, अब उसने अंतरिक्ष और चांद की दूरी तय करने का भी हौसला बांध लिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सफर काफी मुश्किलों से भरा था। इसके पीछे का कारण यह था कि इससे पहले भी इंसानों ने चांद तक पहुंचने की कई बार कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। हौसले, हिम्मत और सूझबूझ के साथ टेक्नोलॉजी का भी इस तरह से विस्तार हुआ कि इंसान आखिरकार चांद तक पहुंच गया। तभी से चांद इंसानों के लिए ऐसी जगह बन गई है जहां दूसरे आकाश पिंडों तक पहुंचने के मुकाबले यहां चांद पर पहुंचना सबसे आसान बन गया है। इसके बाद कई बार चंद्रमा पर अभियान भेजे गए हैं जिसके जरिए अलग अलग देशों के लोगों ने चंद्रमा के सरफेस पर कदम रखा। बहुत से देशों ने अपने एडवांस स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट को चंद्रमा तक भेजा, जिनमें से एक हमारा भारत भी शामिल था। बात करें पृथ्वी के सभी देशों द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए महत्वपूर्ण मिशन के इतिहास के बारे में, तो यह सफर शुरू होता है 1950 के दशक से, क्योंकि उस समय USSR और अमेरिका के बीच एक कोल्ड वार चल रहा था। एक ऐसी जंग चल रही थी जो जुबानी या हथियार के तौर पर नहीं थी, बल्कि एक दिमागी तौर पर प्रतिस्पर्धा एक जंग चल रही थी, जिसमें इस बात को लेकर होड़ मची थी कौन पहले चंद्रमा पर पहुंचेगा। ये वो समय था जब तक इंसान अंतरिक्ष में पहली सैटेलाइट तक लॉन्च नहीं कर पाया था। ऐसे में चांद पर पहुंचने का सपना देखना और उसे पूरा करना लगभग नामुमकिन सा लगता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। अमेरिका ने तो एक बार चांद पर बम फोड़ने का भी ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में उसने अपने इस प्लान को बदल लिया। अब साल 1957 में पहली बार स्पुतनिक 1 नाम के पहले कृत्रिम ग्रह को सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में भेजा। तब दुनिया इस बात पर यकीन करने लगी कि अब हम चंद्रमा तक भी पहुंच सकते हैं। हालांकि उस वक्त भी ये सवाल सबके मन में उमड़ रहा था कि पहले कौन सा देश चंद्रमा पर जाएगा। हालांकि चंद्रमा तक पहुंचने वाले देश में सोवियत यूनियन के चंद्रमा तक पहुंचने की संभावना ज्यादा थी। जैसे कि आज चंद्रयान 3 और लूना 25 के बीच में एक प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है। हालांकि ये दोनों यान अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसे एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर देख रहे हैं और हम इस आस में बैठे हैं कि देखते हैं कि पहले चांद के उस हिस्से पर लैंडिंग कौन करता है, भारत या रूस का लूना 25। साल 1958 से 1959 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस द्वारा चांद तक पहुंचने में कई प्रयास किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। पर जनवरी 1959 में सोवियत यूनियन को पहली सफलता मिली जब उन्होंने लूनार 1 को चांद की सतह के बेहद करीब से गुजारा। लेकिन अंतरिक्ष यान में कुछ तकनीकी समस्याएं आ गई थी जिसके कारण यह चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर सका। उसके बाद सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने एक और बार कोशिश की। इस बार उन्होंने लूना 2 अंतरिक्षयान को चंद्रमा की सतह पर भेजा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 सितंबर 1959 को चंद्रमा की सतह पर उतरा और यह पहली बार था जब किसी देश का अंतरिक्षयान चंद्रमा की सतह पर उतरा। इस मिशन में सफल होने के बाद सोवियत संघ के वैज्ञानिकों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया। इस सफलता के बाद अब भी दुनिया को यकीन था कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले इंसान को सोवियत संघ ही भेजेगा। इस दौरान सोवियत संघ कई और चंद्रमा मिशन की तैयारी कर रहा था ताकि वह चंद्रमा के बारे में उन सभी जानकारी को जुटा सके जिनकी मदद से वह इंसानों को चांद पर उतार सके। 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, जो पहला मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट था।
1961 में यूरी गागरिन नाम के अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसने सोवियत यूनियन द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए वोस्टोक 1 स्पेसक्राफ्ट से पहली बार किसी इंसान ने अंतरिक्ष में कदम रखा। अंतरिक्ष की दुनिया में हम सभी के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले मानव ने अंतरिक्ष तक पहुंचने की केवल कल्पना भर की थी और अब यह कल्पना सच हो गई थी। हालांकि चांद तक इंसान को पहुंचाने में अब तक सोवियत संघ नाकामयाब ही रहा। लूना प्रोग्राम के तहत सोवियत संघ रूस ने कई सारे सफल और असफल प्रयास किए। साल 1966 में एक बार फिर से लूना 9 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट में कोई इंसान नहीं था। यह स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक चंद्रमा के सरफेस पर पहुंच गया था, लेकिन अभी भी सोवियत संघ इस बात को लेकर कंफर्म नहीं कर पा रहा था इस इंसान के साथ किसी स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर भेजना चाहिए या नहीं। इसके पीछे का कारण यह था कि चंद्रमा तक का सफर काफी मुश्किलों और खतरों से भरा था। इस कारण स्वाभाविक सी बात थी कि इसमें सफल होने की संभावना बहुत कम थी और किसी बड़े वैज्ञानिक की जान जोखिम में डालना कोई भी देश नहीं चाहेगा। इस बीच अमेरिका भी अपोलो मिशन के साथ तैयार था। इस मिशन से उसने चंद्रमा पर जाने के लिए अपना प्रयास शुरू कर दिया। यह था अमेरिका का मून मिशन। अमेरिका ने चंद्रमा पर जाने के लिए एक पूरी स्पेसक्राफ्ट की फौज खड़ी कर दी थी। अमेरिका ने बेहद स्ट्रॉन्ग स्पेसक्राफ्ट बनाई जो इंसानों को अंतरिक्ष और चंद्रमा तक ले जाने के काबिल था। इसके बाद अमेरिका ने कई परीक्षण भी किए जिनमें से कई में उसे सफलता मिली और कई में निराशा हाथ लगी। जिस तरह से सोवियत संघ रुक गया था, वैसे अमेरिका ने खुद को नहीं रोका। अमेरिका ने चंद्रमा पर इंसानों को भेजने के लिए एक और चांस लिया। इसलिए अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के दौरान 1959 में 3 इंसानों नील आर्मस्ट्रांग, बज एड्रियन और एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा के सरफेस पर भेजा। इससे पहले वे अपोलो मिशन के कई टेस्ट में फेल हो चुका था जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी थी। इसलिए लोगों के अंदर डर था कि कहीं इस मिशन में भेजे गए लोगों के साथ बुरा ना हो जाए, पर अमेरिकी वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और इसी मिशन के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान बने जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान चांद पर आज भी मौजूद हैं और आने वाले कई लाख सालों तक वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। अपोलो 11 अंतरिक्षयान चांद पर 20 जुलाई 1969 को उतरा था, जिस दौरान 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सतह पर 2.25 घंटे बिताए और फिर 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 धरती पर वापस आ गया। चांद पर अपोलो 11 का रोवर द ईगल भी उतरा था। इस अंतरिक्षयान की लैंडिंग प्रशांत महासागर में कराई गई थी जहां से तीनों अंतरिक्ष यात्री सरलतापूर्वक आ गए। इतना ही नहीं, चांद से धरती पर वापस आते समय अंतरिक्ष यात्री अपने साथ 20 किलोग्राम चट्टान और मिट्टी भी लेकर आए थे। अपोलो मिशन के बाद अमेरिका ने चंद्रमा पर कई अलग अलग मिशन भेजे जिनमें 1969 में अपोलो 12, 1971 में अपोलो 14 और 15 तथा 1972 में अपोलो 16 शामिल थे। इस दौरान इंसानों को चंद्रमा पर भेजा गया। अपोलो का आखिरी मिशन अपोलो 17 था, जहां 1972 में नासा द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा गया। इनका नाम यूजीन सेरनन और हैरिसन स्मिथ था। वैसे इंडिया ने चंद्रमा पर अब तक कोई इंसानी मिशन तो नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भारत ने चंद्रमा पर कई ऐसे महत्वपूर्ण स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट भेजे जिनकी जानकारी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस मिशन का नाम था चंद्रयान 1, जिस दौरान इंडिया की सैटेलाइट ने यह पता लगाया कि चंद्रमा के दोनों ध्रुवों पर सतह के नीचे जमे हुए पानी के बहुत बड़े भंडार मौजूद हैं। चंद्रयान के इस मिशन को 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था, जो कि इसरो द्वारा चंद्रमा पर किया गया पहला सक्सेसफुल मिशन था। और इस मिशन की सक्सेस के बाद इंडिया ने साल 2019 में अपने दूसरे चंद्रयान मिशन को अंजाम दिया, जिसके तहत चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। इस चंद्रयान को भेजने का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना था और साथ ही ऑर्बिटर को चांद की कक्षा में स्थापित करना था, क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी हिस्सा हमेशा पृथ्वी से दूसरी ओर रहता है, जिसके कारण वहां पर मिशन भेजना काफी मुश्किल है। खासकर उस पर किसी स्पेसक्राफ्ट को उतारना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अभी तक अमेरिका भी चंद्रमा के दूसरे हिस्से पर उतरने में कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए चंद्रयान 2 के तहत विक्रम लैंडर को चंद्रमा पर उतारने के दौरान पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी, इसरो पर थी, चंद्रयान 2 पर थी। लेकिन जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग का समय आया तो उस दौरान विक्रम लैंडर का संपर्क चंद्रयान 2 चंद्रमा के चारों ओर घूम रही सैटेलाइट से टूट गया और विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिण हिस्से पर क्रैश लैंड कर गया। इस मिशन में भारत को 95% सक्सेस मिली,
लेकिन भारत ने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अब वह दोबारा से चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा के दक्षिण हिस्से पर उतरने के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और ये हम सभी को पता है। इसके लिए इस बार परीक्षण किए गए ताकि कोई परेशानी ना हो। इसरो को पूरा यकीन है कि वह चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट को उतारेंगे, क्योंकि अब तो चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और वहां पर महत्वपूर्ण कई चरणों को भी पार कर चुका है। लेकिन बता दें, चंद्रयान 3 मिशन में ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 में भेजा गया ऑर्बिटर अब भी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। यानी चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रयान 2 के दौरान भेजे गए ऑर्बिटर से कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की इस पर नजर है। हमारे वैज्ञानिकों की इस मेहनत पर अब पूरे विश्व को भरोसा है और अब हर कोई 23 अगस्त का इंतजार कर रहा है जब यह लैंड होगा। लेकिन इसमें एक और मिशन शामिल था, जो नासा का आर्टेमिस मिशन। इस मिशन के साथ नासा अपने अंतरिक्ष यात्री को दोबारा से चंद्रमा की सतह पर भेजना चाहता है और इस बार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर कुछ समय रुककर वापस नहीं आएंगे, बल्कि वे चंद्रमा पर इंसानी बस्तियां बसाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आज 11 अगस्त 2023 को रूस ने लूना 25 को भी लॉन्च कर दिया है। 16 अगस्त को चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा और इसकी अनुमानित लैंडिंग डेट भी 23 अगस्त हो सकती है। यानी कि 23 अगस्त वो तारीख होगी जिस दिन भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 चांद के उस हिस्से पर उतरने वाले हैं जिस हिस्से पर आज तक कोई भी मिशन नहीं गया है। साथ ही नासा का ये भी प्लान है कि चंद्रमा की सतह पर माइनिंग भी की जाएगी, क्योंकि चंद्रमा की सतह के नीचे कई महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि हीलियम मौजूद हो सकते हैं, भविष्य में एनर्जी बनाने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसलिए नासा ने इस आर्टेमिस प्रोग्राम को शुरू किया, जिसमें 1960 में अपोलो मिशन की ही तरह कई अलग अलग मिशन डिजाइन किए गए, जिनमें से ज्यादातर मिशन बिना इंसानों के होंगे और आखिरी मिशन के दौरान इंसानों को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। मुख्य तौर पर आर्टेमिस प्रोग्राम के 3 चरण हैं। आर्टेमिस 1 में बिना इंसान वाले स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाया जाएगा और फिर चंद्रमा की कक्षा में कुछ दिनों तक घुमाने के बाद इसे वापस पृथ्वी तक लाया जाएगा। इस मिशन की टेस्टिंग 2022 में ही पूरी हो चुकी है। इसके बाद बारी आती है आर्टेमिस 2 की। इसमें इंसानों के स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से चंद्रमा तक भेजा जाएगा और फिर उसे भी चंद्रमा के कई चक्कर लगवाए जाएंगे ताकि सभी मशीनरी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम का टेस्ट किया जा सके। इसे 2024 में लॉन्च किया जा सकता है। इसके सक्सेसफुल होने के बाद बारी आएगी आर्टेमिस 3 की, जिसके जरिए इंसानों को पहले चंद्रमा पर ले जाया जाएगा और फिर इंसान चांद पर उतरकर एक हफ्ता बिताएंगे और एक छोटी सी मानव बस्ती का निर्माण करेंगे। यह पहली बार होगा जब इंसान पृथ्वी के बाहर किसी आकाशीय पिंड पर रहेगा। तो दोस्तों, इतना चंद्रमा से जुड़े सभी मिशंस का अपडेट्स और इतिहास जो हमने आज के इस वीडियो में जाना है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज लूना 25 लॉन्च कर दिया गया है और हमारा चंद्रयान 3 अपने चौथे कक्षा में प्रवेश कर चुका है। अब देखना यह है कि 23 तारीख को पहले लैंडिंग कौन करता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की इसरो चांद पर पहले लैंडिंग करने वाला पहला देश बनेगा या फिर लूना 25 हमसे पहले लॉन्च करेगा और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा। बहरहाल, हम तो यही चाहेंगे कि पहले कोई भी लैंड करे, लेकिन सेफ लैंडिंग दोनों की होनी चाहिए, कि दोनों ही मिशन मानव इतिहास के लिए बड़े खास हैं। ये हमारे लिए खोज करने वाले हैं, हमारे लिए बहुत सारे संसाधनों को वहां पर ढूंढने वाले हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे चांद पर बसने की राह में ये अहम भूमिका निभाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।